नमस्कार साथियों, हमारे साथ मौजूद हैं संघ प्रमुख श्री क्षत्रिय युवक संघ के प्रमुख हमारे साथ मौजूद हैं और क्षत्रिय युवक संघ के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में क्षत्रिय युवक संघ द्वारा हीरक जयंती समारोह मनाया जा रहा है। तो सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? लाखों की संख्या में क्षत्रिय यहाँ पधारेंगे, किस तरीके से उनका स्वागत होगा, किस तरीके से उनके जो यहाँ पर विचार व्यक्त किए जाएंगे, क्या क्या प्रमुख मुद्दे होंगे यहाँ पर? लाखों लोग आ रहे हैं ये सूचना हमारे पास भी है और कितने लाख आएंगे इसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। रही बात स्वागत की, स्वागत परायों का किया जाता है। हमने इस एक डेढ़ महीने के प्रयत्न से ऐसा जाना है कि पूरा समाज तो हमारा ही है। अपने घर में किसी प्रकार के औपचारिक स्वागत की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोई भवानी निकेतन में यहाँ काम हो रहा है तो भगवान भवानी निकेतन वाले कह सकते हैं कि आप हमारे यहाँ आए हैं तो हम आभार व्यक्त करते हैं। बस इससे अधिक और कोई वो नहीं होगा। कोई औपचारिकता कुछ इस प्रकार के स्वागत की होगी नहीं, न कोई माला होगी, न कोई फूल होगा। सब आएंगे, जिन लोगों को जहाँ जहाँ बताया गया वहाँ आकर के बैठ जाएंगे और इसके बाद में जैसा जैसा प्रोग्राम बना है, किसी को 2 मिनट का, किसी को 7 मिनट का समय दिया है, उतने में हमको लगभग 3 घंटे में ये सारा कर लेना है। तो हमने ये सुना है कि कल आप यानी कि क्षत्रिय युवक संघ की तरफ से जो भी लोग यहाँ पर आएंगे उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी जी। तो इस बारे में कुछ आप बताइए। ये आपने सुना है, वैसे मैंने ही सुना है। और हेलीकॉप्टर जिनका है ये मुझे तो पता नहीं, लेकिन उनसे संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं वो खुद लेकर के आए हैं बहुत आगे के। हमने इसको उनको मना भी किया कि इन 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 बातों से फिर आकर्षण दूसरा बढ़ जाता है, इसको न करें, लेकिन उनका मुंह उतर गया। तब हमने धीरे धीरे, वो ये इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो कितना होगा ये भी पता नहीं, तब हमने स्वीकार कर लिया। तो हेलीकॉप्टर से स्वागत कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, ये भी हम तो कोई उसका कोई मायना नहीं रखते। क्षत्रिय युवक संघ हमेशा संस्कारों के लिए जाना जाता है और अनवरत 75 वर्ष से ये काम जारी है। तो कल क्या क्या ऐसे मुख्य मुद्दे होंगे जिसके बारे में बातें करी जाएंगी और बताया जाएगा सभी को? मुख्य मुद्दे जो मैंने अभी आपके सामने बात की, यही मुद्दे होंगे कि किस प्रकार से हम जो आज इस स्थिति में आए हैं 75 साल बाद में हैं, इसको कैसे बनाए रख सकते हैं, उसके लिए हमको क्या क्या प्रयत्न करना पड़ेगा, कौन कौन सी बुराइयां जिनको हम निकालना चाहते हैं वो फिर भी हावी हो सकती हैं, रूढ़ियां बहुत बाधा देती है, ये धर्म के बारे में रूढ़ियाँ बहुत है, उन सब रूढ़ियों को मिटा करके हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, वो सारी वक्ता लोग अपने अपने भाषणों में उनको जो विषय दिया गया है उसमें वो बताएंगे। तो मुख्यतः रूप से राजस्थान से ही लोग आएंगे या पूरे देश से लोग आने वाले हैं? न्यूनाधिक पूरे देश से आएंगे, विशेष तौर से यहाँ के नज़दीक पड़ता है अपना गुजरात, तो गुजरात से में काम बहुत अच्छा चलता है, लेकिन दूर बहुत है इसलिए कम लोग पहुंच सकेंगे, 2-4 हज़ार तक पहुंचेंगे ऐसा लगता है। यूपी से आएंगे, चेन्नई से आएंगे, बेंगलोर से आएंगे, सूरत से आएंगे, इस तरह से बड़े बड़े टाउन हैं जहां अपने लोग रहते हैं उन लोगों तक पहुंचे हैं और वहां के लोगों को भी जोड़ा गया है, और ताकि ये सबके लिए एक प्रेरणा का केंद्र बन सके कि ये काम ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, हम जैसे लोग कर सकते हैं, इसका मतलब कोई भी कर सकता है। तो उस सब में भगवान बिराजता है, भगवान कराता है उनसे। एक आखिरी सवाल, आज लोकतंत्र में किस तरीके से आप राजपूत युवाओं को संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप समझते हैं कि लोकतंत्र में परिस्थितियां बदली हैं, पहले परिस्थितियां अलग थी लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं, तो किस तरीके से आप युवाओं को समाज में प्रतिस्थापित करने के लिए कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र लोकतंत्र कह के एक बड़ा हवा खड़ा किया जा रहा है। लोकतंत्र है तो उसको हम अनुकूल कैसे बना सकते हैं, हम उसके अनुकूल कैसे बन सकते हैं, ये हम पुरानी बातें जो है उनको छोड़ करके कुछ चीज़ें पुरानी आवश्यक है उनको हम रखने का प्रयत्न करेंगे, जो पुरानी बेकार हो गई है उन सब चीज़ों को छोड़ देंगे, ऐसा करके ही हम ये कर पाएंगे। तो उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है। हम ये हमारा मन है ये बड़ा डिगायमान रहता है, तो भगवान कृष्ण ने से अर्जुन ने पूछा कि भगवान मैं ये जो हवा की गति से तेज चलने वाला ये मन है, इसका नियंत्रण कैसे किया जाए, क्योंकि उसके नियंत्रण के बिना काम नहीं हो सकता, कभी हम ये करेंगे कभी वो करेंगे। तो भगवान ने बहुत छोटे से 2 शब्द काम में लिए, अभ्यास और वैराग्य। हमारी आसक्ति जहाँ हो जाती है वहाँ हम रुक जाते हैं, तो आसक्ति नहीं हो कर्तव्य कर्म करें।
रुके नहीं, और वो तब होगा जब हम लगातार अभ्यास रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।